चैत्र नवरात्रि में 9 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर करें पूजा माँ की बरसे की कृपा। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है। इस दौरान देश भर में धूमधाम से माता का आगमन होगा, जबकि 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। पूजा में वस्त्र का अपना अलग महत्व होता है। दरअसल पूजन में पारंपरिक वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। देवघर के ज्योतिषाचार्य पंडित कन्हैया लाल मिश्रा बता रहे हैं कि किस रंग का वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के दौरान पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करने से लाभ होगा। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। इस दिन हरे रंग का वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाएगी। इस दिन भूरे रंग के वस्त्र पहनना लाभदायक होगा। चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा होगी। इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनने से माता प्रसन्न होंगी। पांचवे दिन देवी स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र का उपयोग करें। इसके साथ ही लाल रंग का श्रृंगार माँ पर चढ़ाएं। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन नीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करने से माँ प्रसन्न होती है। आठवें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन गुलाबी रंग के कपड़े का प्रयोग करें। नौवें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन जामुनी रंग का वस्त्र पहनने से माता प्रसन्न होंगी। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा में घी का प्रयोग करें, साथ ही घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाएं, इससे रोग से मुक्ति मिलेगी। नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी या मिश्री का भोग लगाएं, इससे लंबी आयु की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के तीसरे दिन दूध से बनी चीजों का भोग लगाएं, इससे दुख से मुक्ति मिलेगी। नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाएं, इससे बुद्धि तेज होगी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। नवरात्रि के पांचवे दिन केले का भोग लगाएं, इससे स्वास्थ्य लाभ होगा। नवरात्रि के छठे दिन शहद का भोग लगाएं, इससे आकर्षक व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के सातवें दिन दूध का भोग लगाएं, इससे संकट से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के आठवें दिन नारियल का भोग लगाएं, इससे संतान और इससे जुड़ी समस्या छुटकारा मिलेगा। नवरात्रि के नौवें दिन हलवा चना पूरी खीर का भोग लगाएं, इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी।